नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर फास्ट समाचार में। शिवपुरी जिले के पोहरी तहसील की बिटिया हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम भावना शर्मा। शिवपुरी में यूँ तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लगातार शिवपुरी के छात्र सहित छात्राएं और बच्चियां नारी शक्ति शिवपुरी और देश का नाम आगे बढ़ा रही हैं। इसी क्रम में शिवपुरी के पोहरी की बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि अभी इन्होंने हाल ही में पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत फर्स्ट समाचार। थैंक यू। क्या मतलब आपने पावर लिफ्टिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है, कैसे जर्नी शुरू हुई आपकी पूरी पावर लिफ्टिंग की, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। मैं फर्स्ट में जिम मतलब अपना वेट कम करने के लिए जिम ज्वाइन की थी। उसके बाद में वेट तो कम हुआ था, फिर भैया बोले जिम वाले जो थे बोले कि तुम वेट अच्छा लगाती हो तो कंपटीशन खेला करो। मैंने कहा ठीक है देखेंगे। तो इस बार एक बार शिवपुरी में हुआ था तो मैं कंपटीशन खेलने आई थी 2021 में, तो उससे मेरा डिस्ट्रिक्ट का था वो, उससे मैं स्टेट में सिलेक्ट हुई। स्टेट में खेलने गई उज्जैन बड़नगर में, स्टेट वहाँ मेरा मेडल नहीं लगा था। फिर सेकेंड बार मैं जबलपुर खेलने गई थी, वहाँ मेरा मेडल लगा था ब्रोंज। उसके बाद में थर्ड वाला मेरा इंदौर में हुआ था, उसमें गोल्ड लगा, उससे मेरा नेशनल गई थी मैं अभी बेंगलोर कर्नाटक में। तो अभी जो आपने नेशनल खेला है, इसका स्टेट कहाँ से खेला था आपने और अभी नेशनल कहाँ खेला है, इसके बाद कहाँ कौन सा मेडल आपने पाया है? स्टेट मैंने इंदौर में खेला था इसका, मार्च 2023 में इंदौर में श्री राम जिम वालों ने कराया था। उसके बाद नेशनल मेरा अभी बेंगलोर कर्नाटक में हुआ 22 से 26 नवंबर में। अभी जो बेंगलोर में आपने गोल्ड मेडल जीता है पावर लिफ्टिंग में, इसमें आप कितने वेट की कैटेगरी में थे और आपने कितना पावर लिफ्टिंग में उठाया? मैं 84 कैटेगरी में खेलती हूँ और मैंने 110 की बेंच प्रेस मारी थी। और अब आपका नेशनल इंटरनेशनल सिलेक्ट हुआ? हाँ, इंटरनेशनल। तो कब ये वहाँ पे होना है प्रतियोगिता और कितने मतलब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर? जे ना 24 से 1 जून के बीच में होगी यूएसए जाने के लिए, उसमें कम से 15 से 20 लोग टीम जाएगी हमारी पूरी जो इंटरनेशनल खेलने जाएगी। अच्छा, कैसा माहौल लगता है कि घर वालों ने इस दौरान कोई आपत्ति जताई हो या सपोर्ट किया है, किस तरह से घर वालों का आपके प्रति रुझान रहा है? घर वालों की कोई आपत्ति नहीं है, वो सब खुश है मेरे। अच्छा, खुश है। हाँ। तो क्या मतलब आप क्या सोच के आए थे कि आपने जिम ज्वाइन की कम वेट करने के लिए? आपने जिम ज्वाइन की लेकिन अचानक से प्लान बन गया कि नहीं, आपको पता चला कि पावर लिफ्टिंग भी करना चाहिए और वेट लिफ्टिंग भी करना चाहिए, तो कैसा लगता है कि अब आपको कि ये सही डिसीजन रहा कि पढ़ाई करना उचित था, साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है? नहीं, पढ़ाई भी ठीक है, पर मेरा ये सही डिसीजन रहा क्योंकि मुझे इसमें अच्छा लगता है और मैं ये कर सकती हूँ आगे और आगे भी करूँगी आगे के लिए। अच्छा, करोगे तो कोई मतलब ऐसी मनसा है कि नौकरी वगैरह लगेगी या फिर वैसे ही मतलब एक शौक है कि उस तरीके से चल रहा है? नौकरी जॉब भी मिल जाएगी तो जॉब भी करूँगी, उसी के साथ में खेलूँगी, बंद नहीं करूँगी। लेकिन तो मतलब आप एक लड़की हो और शिवपुरी से लगातार लड़कियां भी शिवपुरी और प्रदेश और देश का नाम बढ़ा रही हैं, लगातार कई अपन को खबरें सुनने को मिलती हैं, तो उसी क्रम में आप भी हो, तो अब क्या लगता है कि वर्ल्ड लेवल पर आप जीत के और भारत का नाम रोशन करोगे और आगे, और जो लड़कियां हैं जो घर से नहीं निकलती हैं, इसके चाहते हैं घर वाले निकलने नहीं देते हैं कि लड़की है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए यही संदेश, अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, अगर उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही तो उन्हें मना है, क्योंकि शुरू में तो कोई भी नहीं करता लेकिन थोड़ी थोड़ी जब उन्हें इच्छा होती है तो सब करने लगते हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ सबको करना चाहिए। अच्छा, घर में कौन कौन है, आपके पिताजी और भाई बहन, उनके बारे में थोड़ा सा बताओ। घर में पापा हैं, मम्मी हैं, भैया हैं, दोनों दीदी है, मैं हूँ, मामा है, नानी नाना सब हैं। तो आप ही करते हो कि सिस्टर भी और भैया भी? नहीं, सिर्फ मैं करती। आप ही अकेले हो? पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा जी फॉरेस्ट में डिप्टी रेंजर। तो ये थी हमारे साथ शिवपुरी की पोहरी की बेटी भावना शर्मा, जिन्होंने बताया कि एक वेट कम करने की मंशा से इन्होंने जिम ज्वाइन की, लेकिन इनको बाद में पता चला कि और भी आगे इस फील्ड में वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में आगे सुनहरा अवसर मिल सकता है, इसलिए इन्होंने पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग को चुना और अब लगातार ये इस मुकाम पर पहुंची है कि इन्होंने नेशनल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, अब इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और वहाँ से जीत कर आएंगी, ऐसी इनकी कामना है। तो आगे भी बनी रही है हमारे साथ। नमस्कार।